करते हैं, सीखने के लेवल पे वैसे नहीं होता। जी हम अपना ये निकाल लेते हैं, ए हमारा ए ही है, आप क्या कर रहे हैं भाई, बी हमारा 4 है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी के होल फॉर्मूला, हम क्यों लिखते हैं बार बार ताकि हमें याद हो, ए स्क्वायर प्लस 2AB+B² अब इसमें हम पुट करते हैं नीचे, एक ही जगह ए को लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़ ले मेरे पास, तो चलो वो आ रहा ना, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ए की जगह ए जब आप डालते हैं उसको ब्रैकेट में डालें, जी ए आपका आ गया, ए ही है हमारा और बी है हमारा 4+B² विल बी इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा ए का स्क्वायर, लिया ए स्क्वायर। अब ये 2 1 2 2 4 8 A और 4 का स्क्वायर 16। अब जब हमने स्क्वायर ले जो लिया है तो यहाँ पे 16 लिखने की हमें क्या मसला है, आंसर आ गया जी हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस केस में ए है हमारा 3B और बी है हमारा 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं हम बार बार यहाँ पर, ताकि हमें याद हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं कि हम पेपरों के दिनों में याद करें, ए स्क्वायर जी प्लस 2AB+B² तो अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या है 3B और बी क्या है 2 का होल स्क्वायर। अब देखें जब मैं ए स्क्वायर लिखूंगा तो 3B हमारा पूरा ए है, आप बी के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हैं और 3 के ऊपर लगा नहीं रहे, जी ये हरकतें ना ठीक कर लें, इस वजह से रिजल्ट खराब होता है। आप देखो दो चीजें हैं तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर 20 स्क्वायर आ गया। यहां पर हमारे पास का जी आ गया 2 3 6 6 2 12, ठीक आ रहा ना ये हमारा, जी या अगर गलती हुई कोई उसकी तो देख लिया, 2 का स्क्वायर 4। जब स्क्वायर ले जो लिया यहाँ पर हमें क्या लिखने की जरूरत है, 4 आपका आंसर आ गया। आपके लिए मैंने दोबारा सॉल्व कर दिए हैं, फिर ए निकाल लेते हैं हमारा क्या है, ए हमारा है C और बी हमारा क्या है 4D, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे तुम कह रहे हो की पे, तो उस तरह ये टीजी पे हुआ होता है टीचर गाइड के ऊपर, वो तो जस्ट एक गाइड दी जाती है कि आपको अगर गलती लग रही है कहीं पे तो टीचर चेक कर ले, वो टीचर गाइड होती है, ठीक है। जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है हमने यहाँ पर, CD लिख दिया मैंने सीधा। फॉर्मूला मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, ताकि उसको बोल बोल के लिख लिख के हमें याद हो जाए, ए स्क्वायर जी प्लस 2AB+B² ठीक हो गया। अब यहां पर हमारा ए बी क्या है, इस बार हमारा ए बी है C+B हमारा है 4D का होल स्क्वायर। अब ए का होल स्क्वायर मतलब सी का होल स्क्वायर, जी प्लस 2A क्या है हमारा C और B हमारा क्या है 4D, और यहाँ पर आ गया हमारा प्लस B का होल स्क्वायर मतलब 4D का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, इक्वल इसको साइड पे लिखना चाहें लिख सकते हैं आप, C² + 2 4 8 और C × D हो गया CD प्लस। अब देखो दो चीजों का स्क्वायर अलग अलग लिया जाएगा, 4 का स्क्वायर अलग 4 16 और D का स्क्वायर अलग D² दैट विल बी आर आंसर। आंसर यहां पर आ जाते हैं, ए आ गया हमारा 9H और बी आ गया हमारा 2K। लर्निंग में कोई एफिशिएंसी कोई शॉर्टकट्स नहीं लगाते, जी शॉर्टकट तो वो लगाते हैं जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमेशा मार खाएंगे आप चाहे जिधर आप बगैर सीखे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुए बगैर शॉर्टकट्स लगाएंगे। अभी तो पूरा पूरा नहीं आ रहा, A² + 2AB+B² ठीक हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं ए बी की, हमारे पास क्या आ रही है, ए है हमारा 9H और वो है हमारा 2K का होल स्क्वायर। अब ए की जगह हम डाल देते हैं 9H का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया हमारा प्लस 2 × 9H और बी है हमारा 2K ही है ना, हाँ 2K ही है प्लस जी 20 स्क्वायर यानी 2K का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी 9 आ गया हमारा 81 और H आ गया 8 स्क्वायर ठीक हो गया। 2 9 = 18, 18 2 = 36,
एच के, ठीक हो गया। टू का स्क्वायर लग लेंगे के का स्क्वायर, टू का स्क्वायर लिया तो आ गया फोर, और के का स्क्वायर आ गया के स्क्वायर। अब फोर पे स्क्वायर लिखने की कौन सी इधर आखिर आ गई है, जब तुम्हारा स्क्वायर लेके नंबर आ जो रहा है। अब आ गया फॉर्मूला माइनस का, यहां पर मैं लिख देता हूँ की पॉइंट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको यूज करने से हम सीखते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाता मुंह उठा के। जी अब ए निकाल लेते हैं अपना, हमारा आ गया ए, आ गया है एम, और बी आ गया है हमारा 9, ठीक है। अब फॉर्मूला है माइनस का, केस है हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की जगह आ जाएगा एम माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल एम का स्क्वायर। जब तक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो जाते, कोई शॉर्टकट नहीं लगानी, जब तक आपका अभी तो ब्रेन ही नहीं आपका रिस्पॉन्स करता, तो फिर आप क्यों शॉर्टकट्स लगा रहे हैं। दिमाग को ठीक चीजें सिखाएं। 2 9 18 एम प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 81। अब यहां पर स्क्वायर कौन लगवाएगा, क्यों लगाएंगे हम, बिकॉज स्क्वायर लेने के बाद ही 81 आया ना, जी कोई गलती होगी तो इसमें इधर ही बता देना, ठीक है। जी ये आ गया 4। अब फॉर्मूला हमने इधर से देख लिया ए माइनस बी का है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह ए रख देते हैं यानी के 5n, और बी की जगह बी रख देते हैं यानी के 4 का होल स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग नीचे चलते जाते हैं, ए का स्क्वायर यानी 5n का होल स्क्वायर माइनस 2, देन ए इज 5n एंड बी इज 4, ठीक हो गया। कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई हमारी, सीधा सीधा हम चल रहे हैं। मैं ऐसे ही चल रहा हूँ जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे नहीं आती ये क्वेश्चन। 25 आ गया, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, एन का स्क्वायर लेंगे एन स्क्वायर। अब 2 5 10, 10 4 40। आपका इस तरह का कोई आंसर आया हुआ था? सर याद नहीं है मुझे, सीट ऐसे पड़ी तो ही है, मैं देख आंसर लेता हूँ अभी। आ गया हमारे पास, ठीक है। देखो ट्वेंटी भी फाइव एन स्क्वायर माइनस फोर्टी आपका एन, इसका हाँ जी क्या सर हल जी, है, यही आंसर है मेरा मेरा यही आया है? 16 स्क्वायर आया था पर जी। 16 पे स्क्वायर क्यों आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, 16 पे क्यों स्क्वायर आएगा, स्क्वायर लेने के बाद ही तो आपका ये आया है 16, तो स्क्वायर कहाँ से आ गया तुम्हारा फिर से। ये होते हैं वो चीजें जो जिस तरह कहते हैं अनाड़ी बंदा काम कर रहा है, जिसको नहीं आता, समझ नहीं है जिसको, बस ऐम ही बस देख के उसकी जी ड्राइंग बना रहा है, समझ की बात है ये सारी। ए माइनस फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं बाई, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाई यूजिंग फॉर्मूला, और अच्छे तरीके से अगर आप इसको 100% करो तो यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बेहतरीन करने से आपको क्या मसला है, ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा मुझे उसको जरा निकालना पड़ेगा इधर से, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर पुटिंग द वैल्यूज आप लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, ए इज 9 और बी इज 5p, ठीक है। अब ए आ गया हमारा 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 5p एंड देन आपका बी स्क्वायर आ गया 5p का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 9 का स्क्वायर 81। जब स्क्वायर ले लिया तो इस पे स्क्वायर क्यों लिखना है, 2 9 18, 18 5 90 आया था। जी सर जी, नाइनटी चलो पी 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25 और पी स्क्वायर एंड विल राइट आंसर, ठीक है, ताकि पता जी लगे यहाँ पर एंड अप हो गया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा 3q माइनस ए भी निकाल लेते हैं हम अपना ना, ए हमारा आ गया यहाँ पर, ना भी निकालो विद टाइम आपको पता लग जाएगा कि ए कौन सा है बी कौन सा है। मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं ताकि सवाल समझना आसान हो। तो अब बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। इतनी लाइनें ऐसे थोड़ी दी गई हैं, ए जी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बार बार लिखने से यह हासिल होता है कि हमें फॉर्मूला याद हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा था बार बार लिखना है।
मैं जितनी बार भी पढ़ाऊं, जितनी बार भी काम करवाऊं, मैं हमेशा फॉर्मूला लिखता हूं। क्यों? भूल जाएगा अदरवाइज। ए का स्क्वायर, मैंने दोनों को इकट्ठा लिया ब्रैकेट में और फिर ए का स्क्वायर लगाया, 2 into a आ गया हमारा 3 3 a, और b है हमारा 8 r, और प्लस b का स्क्वायर दैट इज 8 r का होल स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया 9, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 3s are 6, 6 8s are 48, q एंड r प्लस 8 का स्क्वायर 64 और r² r² एंड दैट इज आवर आंसर। चेक कर लो, यही है। हाँ जी सर जी, चल इसको मैं सेव करता हूँ और आपको फिर मैं भेजता हूँ ये, ठीक है? इसको करते हैं सेव डेस्कटॉप, ठीक है? आई बिलीव के हो गई है सेव जी, हो गई है सेव। हालांकि मैंने कल कराया है ये आपको, ठीक है? तो इतना काम तो बनना नहीं था चाहिए। इसके अगले क्वेश्चन करवाए हैं टीचर ने? जी सर जी। अब हम लोग क्यूब का पढ़ रहे हैं, क्यूब में जो है इसको क्यूब में करना है। नहीं, उसके बाद जो क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में नहीं सर जी वो छोड़ दिए उन्होंने? जी नहीं, नीचे वाले नहीं करवाए, नीचे वाले क्वेश्चन जो थे नहीं सर वाला। जी, एक मिनट यार, ये क्या बात है? ये नीचे दो क्वेश्चन थे, इन्होंने करवाई नहीं ये वाला क्वेश्चन 3 और 4। ओ देखता हूँ क्वेश्चन चेक करें क्विकली। 5 ही है, 4 है और सर 3 4 कराए हैं। कराए हैं ना 3 4? वही तो आप, मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आप कैसे कह रहे हैं क्या नहीं कराए, तो 3 4 करेंगे अभी आप, ठीक है? जी फाइंड एक्स वाई निकालना है, ठीक है? चले चले, मैं वो उनको उठा लूँ उधर से जरा क्वेश्चंस को। मैंने कोशिश की थी आज बैठ के थोड़ा काम कर दूँ उसके ऊपर। एक मिनट बस, मैं इसकी PDF कर लूँ। मैंने वर्कशीट ना पहले ही बना ली थी इसकी, अब देखो बनी हो वैसे ही। हाँ बनी हुई है, बनी हुई है, बनी। एक मिनट बस, चलो कहना। जी सर जी, 6 6 तक की है हमने। हाँ 6 तक ही है? 6 तक जी ही है? एक मिनट, फिर मैं 6 भी उठा ही लूँ क्वेश्चन। यार सुनो, ये सिक्स भी उठा ही ले। एक बारी फिर हो, तेरा हो जाएगा। आपके पास
ठीक हो गया, क्वेश्चन सी आ गया आपका ये। ठीक जी है, क्वेश्चन थ्री तो वही है ना, थ्री हमने किया था ना, थ्री तो हमने किया अभी। जी सर जी ये क्वेश्चन मिस आ रहा है, कौन सा मिस आ रहा है? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर फोर नहीं आया हमारा, थ्री नहीं आया। कुछ फर्क आ रहा है, कुछ फर्क आ रहा है। ठीक हो गया, यही है ना हमारा अगला क्वेश्चन। जी इसकी कितनी कॉपीज करवाई थी, हाँ जी इसकी कितनी कॉपीज कराई थी? मैंने कहा तीन कॉपीज करवाना है इसकी। तो मैंने एक कराई है मैंने क्या बोला था, तीन कॉपीज करवानी है। ठीक है, हमारी आ गई एक्स, आज डेट हमारी क्या है, 2/20 और ठीक है। अब इसमें हमारा की फॉर्मूला क्या यूज होगा, की फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा वो है, ठीक है, जब भी देखो ना ये सेम है, एस और फाइव, एस और फाइव, जब भी दो नंबर एक जैसे हों पर एक बार प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हों, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, माइनस वाला पहले प्लस वाला पहले, तो इनको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू टू डिफरेंस स्क्वायर्स, बिटवीन टू स्क्वेयर्स हाँ जी बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत मैथ में यूज होता है, कि जब भी इसके दूसरी तरफ से देखा जाए तो जब भी ए दो स्क्वायर्स हो तो उसको एक तरह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा केस हाँ ये जी वाला, कि ये साइड इस तरफ है, एक्सपैंड फॉर्म इस तरफ है ना। हाँ जी चले अभी हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमारा ए बी तो ये हमारे पास आ गया, ए हमारा क्या आ रहा है अभी यहाँ पर, ए है एस और बी है फाइव। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप डाल देते हैं हम अपना एस माइनस फाइव इंटू एस प्लस फाइव, यही सीन आ गया ना, ए का स्क्वायर जी यानी एस का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी के फाइव का स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या आएगा, एस का स्क्वायर आ जाएगा एस स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर आ जाएगा 25। 25 पे आप स्क्वायर क्यों लिखेंगे हम, जो तुम्हें गलती लगती है यहाँ पर भी। सर जी, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ए आ गया हमारा 2t और बी आ गया हमारा 11। अब इसको लिख लेते हैं ए, अब देखो ये मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, प्लस पहला पहले है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनकी तरतीब आगे बी पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। ये होगा ऐसे ही, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए है हमारा 2t यानी जो कि क्वेश्चन ही है। ठीक है, जब एक्सपर्ट होते जाओगे तो ये देख देख के लिखने की बात नहीं, कि ये क्वेश्चन ही लिखना है हमने, 2t प्लस 11 इंटू
2t-11। अब यहां पर जरा देखना पड़ेगा, ए का स्क्वायर यानी ए हमारा है 2t का स्क्वायर और बी है हमारा 11 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, टी का स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121, दैट इज आर आंसर। ठीक है, आंसर। इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ए हमारा क्या आ गया है 7, और बी हमारा क्या आ गया है 2u। ठीक है, अब जी इसका केस वही है, ए प्लस बी प्लस वाला पहले है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ऑलवेज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बड़ा मशहूर, डिस्टेंस बिटवीन। तो 7 प्लस 2u जो कि क्वेश्चन ही है, 7 माइनस 2u, ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास 7 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया 2u का स्क्वायर। इधर इक्वल लगाना नहीं भूलें, इक्वल लगेगा, 7 का स्क्वायर 49 और 2u का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और u स्क्वायर, दैट इज आर आंसर। ठीक हो गया, आंसर। जी अब इस पे आ जाएं। ए हमारा आ गया है w, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इनकी, कॉपीज और करवाओ। ठीक है, बी हमारा आ गया जी है 10x। अब केस हमारा क्या है, माइनस पहले या प्लस पहले, बाद में चलो हम इस तरह लिख लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल, होता यही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। अब ऊपर से सवाल ही लिख लेंगे, माइनस डब्ल्यू माइनस 10, और बी आ जाएगा हमारा 10x, है ना, इसके साथ एक्स है, जी और डब्ल्यू प्लस 10x, हर चीज को देख के चलते हैं। अब ए की जगह आ जाएगा डब्ल्यू का स्क्वायर, और बी की जगह आ जाएगा 10x का होल स्क्वायर। डब्ल्यू का स्क्वायर आ गया डब्ल्यू स्क्वायर, और 10 की जगह आ गया, 10 का स्क्वायर आएगा 100 और एक्स स्क्वायर, सो दैट इज आर आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, जी अब इसको मेरा ख्याल है मेरा बेटा तोड़ना पड़ेगा हमें। अब मुझे याद नहीं कि आपने की पे इसको क्या किया या क्या नहीं किया, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने देखा कि ये किसके करीब है, ये 1200 के करीब है ना, जी हम इसके साथ लिख लेते हैं 1200 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, हाँ जी अब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब ये नियरेस्ट होल नंबर के करीब कौन सा है, मतलब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में किसके करीब है, ये 1000 के करीब है ना, हाँ जी तो इसको अगर हम 1000 ले लेंगे तो मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, या 890 भी ले सकते हैं, लेकिन 890 लेंगे तो 890 का जुबानी स्क्वायर निकालना मुश्किल होगा। हम क्या कर लेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये 900 में से 8 कम है ना, जी क्योंकि 900 का स्क्वायर लेना आसान है, 9 का स्क्वायर 81 और जीरोस का स्क्वायर लें तो इनको डबल कर देते हैं। यहाँ पर भी 12 का स्क्वायर लेना आसान है, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 जीरोस को डबल कर देंगे, इस वजह से हम इसको ये अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, ये भी कोई वैसे ही केस है, वही केस आ गया दोबारा से, बाकी इसका दूसरा सवाल बुक से देख के लिख लेंगे थर्ड वाला क्या है। ठीक है, जी अब इसमें ए हमारा क्या आ गया, ए हमारा आ गया 1200, और बी क्या आ गया हमारा 3। अब ये केस है ए थ्री प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल होल स्क्वायर स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² ठीक हो गया। जी ए स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1200 का स्क्वायर, यहां पर इसको लिख लें एक बार, 1200 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 into a आ गया हमारा 1200, और b हमारा आ गया 3 plus b का स्क्वायर। क्लियर, हाँ अब जी 1200 का स्क्वायर लेना तो आपको मुश्किल काम नहीं है, 12 का होल नंबर का स्क्वायर लें, 12 का स्क्वायर होता है 144, और जो जीरोज है उनको डबल कर दो, अगर 2 है तो 4 कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 1 2 3 4। ठीक हो गया, जी अब देखें 2 को करें 12 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा 24, 24 को करें 3 से मल्टीप्लाई, हम रफ वक्त में भी जा सकते हैं, 24 into 3, 3 4 12, 2 लगा 1 carry 6 72, 72 आएगा, और ये 2 जीरोज आ जाएंगे हमारे पास, जीरोज आ गए, और यहाँ पर हमारे पास 3 लिखना था मैंने 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब मेरा बेटा आपने करना क्या है, देखें ये हमारे क्या है 12 में, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इन सबको प्लस करो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें 9 को प्लस करें, देखें ये मैं आपको इजी बताता हूँ, 12 इसको छोड़ो,
इसमें हमने 9 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 72,009। ठीक हो गया। जी अब इसको सिर्फ ये जीरोस की जगह इसको रिप्लेस कर दो, ये खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी मैंने देखा ये यूनिट प्लेस पे है ना, यूनिट प्लेस के जीरो की जगह 9 को रिप्लेस कर दिया। अब ये सारा 10,000 प्लेस पे है ना, यूनिट 10,100 हाँ जी थाउजेंड प्लेस पे है, तो मैंने यूनिट 10,100 थाउजेंड थाउजेंड प्लेस पे इसको रिप्लेस कर दिया, तो वो आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर से भी करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं एक मार के देखता हूँ जरा, 1203 का स्क्वायर आता क्या है वैसे। तो ये मेंटली आप सीखते हैं चीजें, फर्क आ रहा है। अच्छा, इनटू 1203, नहीं फर्क आया आंसर, चेक करना पड़ेगा 12। हाँ ये देखो ना, मेरी ये गलती है, मैंने यहाँ पर ये लिखना था, मैं भी कहूँ गलती कहाँ पे आ रही है। ये इस 12 की जगह 12,000 थोड़ी आना था, ये आना था ना, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ कि फर्क क्यों आ रहा है। चलो कोई बात, यहां से इसको रेस करके चलो, अब इसकी इसका स्क्वायर ठीक करते हैं ना। ये आ गया 1440000040। इधर हमारा क्या आया था बोला, 272,000 ना, 7200। यहाँ पर आ गया 9। अब देखें ये आ गया 1,4 अपनी जगह, ये चार प्लेसेस है ना, इन चार प्लेसेस की जगह इसको रिप्लेस करते हैं। 1 7 2 7 2 0, और यूनिट प्लेस की जगह इस 9 को रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज आवर आंसर 100%। ठीक हो गया। जी प्लस करना ही है, आप रफ वर्क में भी लिख के इसको प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा केस आ गया हमारा, ए आ ठीक गया 900 और बी आ गया हमारा 8। अब केस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। बड़ा अहम लेक्चर है ये। ए आ गया 900 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी मैं तेज कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि वो टाइम कम है। 9 स्क्वायर इतने हाँ मिनट जी रह गया भला। सर, अभी रहते 3 मिनट। 900 और बी है हमारा 8, और यहां पर आ गया प्लस 8 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर देखिए, 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 इन दो जीरोस को डबल कर देंगे। अगर 2 है तो 4 कर दो, 4 है तो 6 कर दो, और सॉरी 3 है तो 6 कर दो, 4 है तो 8 कर दो। अब देखिए 2 9s are 18। ठीक है, 18 को 8 से रफ वर्क में मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आपका 18 into 8, किसको पर 18 को 8 से 18 को 8 से माइनस ना, मल्टीप्लाई ओ करना है, मल्टीप्लाई ना, 9 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ रहा 1/4। 18 मल्टीप्लाई बाय 144 होता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 8। हाँ, अब यहां पर आ गया 64। अब देखो ये क्या है, यूनिट 10, ये क्या है यूनिट 10 100 1000 10,000। ठीक हो गया। अब जी यहां पर देखो ये 4 0 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये 1 इस 1 के साथ ऐड होगा। 1 और 1 कितना हो गया, 8 8 प्लेस ही टू नहीं है ना, नहीं वन 1 2 हो गया, बाकी जीरोस की जगह यही आएंगे 4 4 0 0 है ना, जी और लास्ट 2 प्लेस पे ये आ जाएंगे 4 4, ये लास्ट 2 जीरोस की जगह आ जाएगा 6 4। दैट विल बी आंसर। ठहर जाए एक मिनट, चेक भी कर लें है ना, फिर ना ना जी वो गलती हो गई है। 892 into 892, फर्क आ रहा है। फर्क आ रहा है रे, 81,000 प्लस 1,44,000 प्लस 64, ये आ रहा है मेरे पास वर्किंग में आ रही है 95,464। मल्टीप्लाई करके देखें, 892 बाय 892,
795, 795 आ रही है, कहाँ से गलती आ रही है, देखा कहाँ से गलती आ रही है। अच्छा पेयर मारा ठीक बना हुआ है। जी 900 × 900, 4-0 आ रहे हैं हमारे, ये भी मारा ठीक आ रहा है, ठीक सर, है। आंसर हमने क्या करना था, 1440000 को प्लस करना था 7200 प्लस 9। ये भी हमारा ठीक आ रहा है। अच्छा ये माइनस होना है, प्लस नहीं होना इसने, है ना। जी मैं वही कहूँ गलती कहाँ सेवन पे, थाउजेंड टू हंड्रेड आ जाएगा। हाँ गलती हो गई वही ना, मैं भी कहूँ गलती कहाँ पे आ रही है हमारी, दिमाग हो गया था, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक आ रहा है, 795, 795।